नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, प्यास आप और हम सभी खाते हैं, क्योंकि प्यास के बिना खाने का टेस्ट अधूरा रह जाता है। और कच्ची प्याज खाने के हेल्थ बेनिफिट्स तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है जो हमें कई तरह की प्रॉब्लम से दूर रखती है। लेकिन अगर इसी प्याज के साथ विनेगर मिल जाए तो इसके फायदे दो गुने हो जाते हैं। तो ऐसे में विनेगर यानी सिरके वाली प्याज क्या फायदे हमें देती है और इसको कैसे सही तरीके से खाया जाए, आज हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। दोस्तों, आप जानते हैं जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जब हम हैवी खाना खा लेते हैं, नान या लच्छा परांठा या कोई भी ऑयली चीज, तो हमें साथ में सिरका प्याज दी जाती है। और वो इसीलिए दी जाती है ताकि जो भी हमने ऑयली चीज खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। और सिरका प्याज खुद में एक फर्मेंटेड फूड है जो एक अच्छा डाइजेशन फूड माना जाता है, क्योंकि जब भी कोई भी चीज हम फर्मेंट करते हैं तो उसमें प्रोबायोटिक इंक्रीज हो जाते हैं और प्रोबायोटिक हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो ऐसे में आपको घर पर भी, बाजार में ही नहीं, घर पर भी आपको सिरका प्याज अपनी रेगुलर डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे में आपके मन में ये जरूर सवाल उठ रहा होगा कि सिरके वाली प्याज ही क्यों खाई जाए, वैसे प्याज तो हम सब्जी में और कच्ची प्याज भी हम खाते हैं। देखिए, दरअसल क्या होता है, प्याज के खुद के जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6, विटामिन B9 और मेन सल्फर और विटामिन सी जो होता है, वो जो होता है जब हम कुक करते हैं, ये सारे न्यूट्रिशन कई बार कम हो जाते हैं या बिल्कुल ही ओवर कुक करने से खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे में जब हम सिरके वाली प्याज लेते हैं, दरअसल प्याज में जब हम सिरका डाल देते हैं तो जो प्याज के जो न्यूट्रिएंट होते हैं और वो सिरका उसे लॉक करने का काम करता है, और जो भी प्याज के न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमें डायरेक्टली मिल पाते हैं। इसके अलावा प्याज और सिरका जब मिलता है तो सिरके के जो अपने न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी हमें मिल पाते हैं। दोस्तों, ये तो एक ही फायदा है, लेकिन जो सिरके वाली प्याज है आपके वेट लॉस के लिए भी काफी अच्छी होती है, क्योंकि ये जब सिरके वाली प्याज हम लेते हैं तो ये कई तरह के हेल्दी एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है जो कि हमारे वेट लॉस को प्रमोट करती है, और साथ ही इंटेस्टाइन में हमारे फैट एब्जॉर्प्शन को ये रिड्यूस करता है ताकि हमारे वेट मेंटेन रह सके। अब दोस्तों, ये जानिए कि ब्लड शुगर पेशेंट के लिए सिरके वाली प्याज कैसे बेनिफिशियल साबित होती है। दरअसल क्या होता है कि सिरके वाली प्याज में एसिटिक एसिड होता है जो कार्ब्स के डाइजेशन को स्लो डाउन करता है और शुगर को स्पाइक नहीं होने देता, जिससे शुगर लेवल जो होता है वो मेंटेन रहता है। प्लस प्याज में APDS होता है, यानी कि एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फेट होता है, जो कि इंसुलिन रिलीज को स्टिमुलेट करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की सेल्स ब्लड ग्लूकोज को अच्छी तरह से यूज कर पाती है और ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखती है। तो ये है सिरके वाली प्याज के फायदे। लेकिन सिरके वाली प्याज के फायदे उठाने से पहले ये जानना जरूरी है कि सिरके वाली प्याज कैसे सही तरीके से बनाई जाए। अब ये जानिए, आपको अगर छोटी वाली प्याज जिसे पर्ल प्याज कहते हैं अगर वो मिल पाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो आप काट के प्याज डाल सकते हैं। आपको 8 से 10 छोटी छोटी प्याज लेनी है, जिसे सांबर प्याज या सिरके वाली प्याज भी कहा जाता है। इन प्याजों को छीलकर अच्छे से धो लेना है। आप रेस्टोरेंट में देखते हैं ना, जब सिरके वाली प्याज को सर्व किया जाता है तो वो लाल रंग की होती है। ये लाल रंग हमें देगा चुकंदर यानी बीटरूट। आपको एक बीटरूट लेना है और उसको स्लाइस करना है। चुकंदर को एक ग्लास पानी में अच्छे से उबालना है। आपको इसमें आधा चम्मच चीनी और नमक स्वाद अनुसार डालना है। अब जब चीनी मेल्ट हो जाए, नमक भी मेल्ट हो जाए और चुकंदर आपके सॉफ्ट हो जाए, तो आपको गैस ऑफ करके इस पानी को छान लेना है। अब आप अपनी प्याज को लीजिए और जिस तरह से हम चीरा लगा रहे हैं प्याजों में, आपको भी इसी तरह से चीरा लगाना है। ये चीरा हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो फ्लेवर होगा वो अंदर तक प्याज के पहुंच पाएगा। कांच का साफ जार ले लें, उसमें ये सारी जो प्याजें हैं आपको डाल देनी है। थोड़ा सा अगर आपको तीखा स्वाद चाहिए तो हरी मिर्च बीच में से कटी हुई डिप कर सकते हैं। 1 कप व्हाइट विनेगर मिलाना है। ऊपर से ये जो पानी हमने तैयार किया है बीटरूट का, इसको आप डाल दीजिए। अब देखिए, पूरी तरह से ये प्याज डिप हो गई है। चुकंदर को आपको फेंकना नहीं है, उसी पानी में डाल देना है। अब ये तैयार हो गई है आपकी सिरके वाली प्याज। आप चाहें तो आधे घंटे बाद आप इसमें से प्याज लेकर खा सकते हैं। और फर्मेंटेशन के अगर आपको फायदे चाहिए तो आप ओवरनाइट इसे रख दें और अगले दिन आप किसी भी अपनी मील के साथ इसको सलाद के तौर पर, इसको अचार के तौर पर खा सकते हैं।
अब इसको आप फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए और रोज अपने खाने में किसी भी टाइम इस प्याज का स्वाद उठाइए। कभी आप कच्ची प्याज खाइए, कभी आप सिरके वाली प्याज खाइए, आपको बेनिफिट ये दोनों ही देगी। प्याज के जो बेनिफिट है वो भी आपको मिलेंगे और सिरके के जो बेनिफिट है वो भी आपको मिल सकते हैं अगर आप सिरके वाली प्याज अपनी डाइट में शामिल करते हैं। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही।